अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री की गाड़ी जब पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोकी तो वह खुश हो गए और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कंट्रोल रूम पहुंच गए। पुलिस कर्मियों के साहस को देखकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उन्हें सलाम भी किया। दरअसल शनिवार रात मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर पूर्व का दौरा कर रहे थे। दौरे के बाद वो रात को जब वापस अपने आवास में लौट रहे थे तो हजीरा पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और उनकी गाड़ी रोककर बाकायदा चेकिंग की। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी गाड़ी की चेकिंग देखकर खुश हुए और अगले दिन कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को नसीहत भी दी कि वाहन चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से किसी गरीब व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। चेक किया आपकी गाड़ी को? देखिए, मैं चार शहर नाके से 10:30-11 बजे के करीब एक शादी से लौट रहा था तो चार शहर नाके पुलिस चौराहे के ऊपर पुलिस चेकिंग कर रही थी और सब गाड़ियों को रोक करके चेकिंग कर रही थी। उस क्रम में मेरी भी गाड़ी रुक गई। मैं शाम को फॉलो और पायलट नहीं लिया था, मैं था और एक मेरा PSO था। उसने गाड़ी चेक की, पीछे गाड़ी चेक की, मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। जब मेरा उसका TI का परिचय भी हुआ तो मैंने उसको शाबाशी दी और मेरे मन ने कहा कि कल सुबह इन लोगों को हार माला पहनाना चाहिए, इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो काम वर्तमान के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटा बेटी, वो कब सुरक्षित रहेंगे? जब पुलिस सही तरीके से बदमाशों पे निगरानी करें और उसमें चाहे गाड़ी किसी की भी हो उसकी चेकिंग होनी चाहिए, ये साहस होना चाहिए और ये नियमित रूप से हो। हाँ, ये भी मैंने पुलिस अधीक्षक को कहा है कि इसमें कोई गरीब को परेशानी ना, तो मैं उन पुलिस अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से निरंतर कानून व्यवस्था को ठीक रखने में प्रशासन अपना काम करता है।